हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट 11। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, भारतीय रेलवे में कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया? राइट आंसर है इसका 2.8, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इसे नागपुर और कोरबा के बीच चलाया गया। इसमें चार इलेक्ट्रिक इंजन लगे हुए थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सीपीएल में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका प्रवीण तांबे, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, सीपीएल इसका फुल फॉर्म है कैरेबियन प्रीमियर लीग। दोस्तों याद रखिएगा, सीपीएल के ही दौरान 2020 में वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने 500 टी20 विकेट लेने वाले ये पहले गेंदबाज बने। याद रखिएगा, सीपीएल के दौरान वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो 500 टी20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका लियोनेल मेसी, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, लियोनेल मेसी ये बार्सिलोना के स्ट्राइकर हैं। जिम कॉर्बेट पार्क से कौन सी नदी बहती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है रामगंगा नदी, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद रखिएगा, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि प्रथम, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और यहां से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना की गई 1935 में। बुक इफ इट ब्लीड्स के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है इसका स्टीफन किंग, यानी कि ऑप्शन ए। किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? राइट आंसर है दोस्तों इसका हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन बी। बीजक किसकी कृति है? सही आंसर है इसका कबीर दास, यानी कि ऑप्शन बी। और साथ ही साथ याद रखिएगा, कबीर दास की दो कृतियां जो कि इंपॉर्टेंट है, पहली है सबद सबद, और दूसरी है रमेनी रमेनी। भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केवल स्टेट रेल ब्रिज का निर्माण कहां किया जा रहा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, ये पुल जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। इसकी लंबाई है 473.25 मीटर, यानी कि 473.25 मीटर। इनमें से कौन केरल से आम चुनाव लड़ने वाले नेहरू गांधी परिवार के पहले व्यक्ति हैं? राइट आंसर है इसका राहुल गांधी, यानी कि ऑप्शन ए। बियाना किस नदी के किनारे बसा है? सही आंसर है दोस्तों इसका डेन्यूव, यानी कि ऑप्शन डी। और साथ ही साथ याद रखिएगा, डेन्यूव नदी के किनारे बसे कुछ नगर जिनके नाम हैं बेलग्रेड और बुडापेस्ट। बेलग्रेड और बुडापेस्ट, हम बात करते हैं दोस्तों सीन नदी की। याद रखिएगा, सीन नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? तो यह है पेरिस। फिर है टाइग्रिस, टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है बगदाद। फिर बात करते हैं हम बोल्गा की, बोल्गा नदी के किनारे बसा हुआ है स्टालिनग्राड शहर। 13 अप्रैल 2019 को जलियांवाला बाग की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? राइट आंसर इसका 100 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र कहां खोला? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है दोस्तों दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये 2 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। किस वैज्ञानिक खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर है इसका रमन प्रभाव, यानी कि ऑप्शन सी।
नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है। वे किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त रही थी? दोस्तों 2020 में रेलवे के एग्जाम के लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट साबित होगा और इसका राइट आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा ये एक आईएएस अधिकारी भी थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इसका नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी। और साथ ही साथ याद रखिएगा भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान, केंद्रीय सड़क अनुसंधान और केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान, ये तीनों भी नई दिल्ली में स्थित हैं। एप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह किस देश का है? राइट आंसर है इसका चीन, यानी कि ऑप्शन ए। फतेहपुर सीकरी के वास्तुकार कौन हैं? सही आंसर इसका बहाउद्दीन, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों नेकचंद ऑप्शन में आपको नजर आ रहे हैं, नेकचंद इंपॉर्टेंट है ये नाम, याद रखिएगा नेकचंद ये चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के वास्तुकार हैं। फिर हैं ऑप्शन में उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी, ये हैं दोस्तों ताजमहल के वास्तुकार। 2010 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने किस जीव को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया? आंसर इसका हाथी, यानी कि ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग उपन्यास के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका मैरी के लुकाशा रिजेनबेल्ट, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा मैरी के लुकाशा रिजेनबेल्ट, इन्हें 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के पिता भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका राइट आंसर है रंजन गोगोई, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों साथ ही साथ याद रखिएगा कौन राज्यसभा के सदस्य बनने वाले पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस रंजन गोगोई। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर इसका खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन ए। 1957 में शुरू की गई इनमें से क्या ऑल इंडिया रेडियो की एक प्रसारण सेवा का नाम है? राइट आंसर है इसका विविध भारती, यानी कि ऑप्शन सी। मूवी क्विक का मुख्यालय कहां स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों इसका गुरुग्राम, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा मूवी क्विक ये एक डिजिटल वॉलेट कंपनी है। निरुपमा यादव का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है इसका लेखन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों निरुपमा यादव ये एक स्पोर्ट्स वुमेन लेखिका हैं और इनका एक प्रसिद्ध किताब है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है विशेष कोड टू विन, विशेष कोड टू विन। श्री लिंगराज मंदिर कहां स्थित है? राइट आंसर है इसका उड़ीसा, ऑप्शन डी। दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर में, बात उड़ीसा की है तो याद रखिएगा छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य उड़ीसा है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? राइट आंसर है इसका परिवार कल्याण का प्रतीक, यानी कि ऑप्शन डी। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? सही आंसर इसका 65 सेकंड, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से इसे लिया गया है। याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। समाचार पत्र ला रिपब्लिका का प्रकाशन स्थल क्या है? राइट आंसर है दोस्तों रोम, यानी कि इटली की राजधानी रोम। बात इटली की है तो याद रखिएगा पुनर्जागरण का प्रारंभ कहां से माना जाता है? तो पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है और इटली के ही एक महान कवि थे जिनका नाम था दांते और इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है? राइट आंसर इसका नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी। और अब याद रखिएगा अब इसका नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम, याद रखिएगा फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। बात दिल्ली की है तो दोस्तों खादी और ग्रामोदय आयोग ने अपना पहला
फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली में खोला है। मनिका बत्रा किस राज्य से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझकर इस सेट में आज डाला है स्पेशली आपके लिए, और इसका राइट आंसर है दिल्ली, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसमें मनिका बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 को जीता है, और ये एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इनका नाम है मनिका बत्रा। चीन की संसद का नाम क्या है? राइट आंसर है इसका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, यानी कि ऑप्शन डी। और हम बात करते हैं ऑप्शन ए में है जातीय संसद, यह है दोस्तों बांग्लादेश की संसद का नाम। फिर है नेसेट, यह है दोस्तों इसराइल देश की संसद का नाम। फिर है डेल आयरन, यह भी इंपॉर्टेंट है, और यह है आयरलैंड की संसद का नाम। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहां स्थित है? राइट आंसर है इसका लंदन, यानी कि ऑप्शन ए। मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित हैं? सही आंसर है इसका टेबल टेनिस, यानी कि ऑप्शन सी। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? राइट आंसर है इसका 52 सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए इजी है लेकिन डिटेल इससे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन, इसके रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, और इसे 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया। सर्वप्रथम इसे 1911 में भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। अम्बेडकर दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका 14 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन सी। साथ ही साथ याद रखिएगा 18 अप्रैल यह है विश्व विरासत दिवस। फिर है 22 अप्रैल यह है दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस, जो कि दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। नॉर्वे की राजधानी क्या है? सही आंसर है इसका ओस्लो, यानी कि ऑप्शन ए। लीला सैमसन का संबंध किस नृत्य से है? राइट आंसर इसका भरतनाट्यम, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तो यह है तमिलनाडु से। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर इसका 7। और साथ ही साथ याद रखिएगा कबड्डी और नेटबॉल में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर इसका हॉकी, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों साथ ही साथ हॉकी से संबंधित कुछ और कप हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि बेटन कप, आगा खां कप और नेहरू ट्रॉफी, ये भी हॉकी से संबंधित हैं। डेट्रायट नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर इसका ऑटोमोबाइल, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।